हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का वेलकम करते हैं नए जानकारी के साथ। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत लोग बहुत जगह ट्राई करते हैं कि हमें इसकी जानकारी मिल जाए। जब हम पहली बार माँ बनने वाले होते हैं तो अधिकतर ध्यान देते हैं कि मेरा आने वाला मेहमान क्या है। वैसे सभी माँ चाहती है, जानना चाहती है कि जो आने वाला वो कौन है। इसके लिए हम नेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते आप यहाँ पे आई हैं ना। तो ये सब करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि कुछ मिल जाए। क्या ऐसा कहीं से मिलता है कि आने वाला मेहमान क्या है? और अल्ट्रासाउंड में तो बताया नहीं जाता क्योंकि अब कानूनन हो गया है अपराध, और लड़की लड़के में भेद करना भी नहीं चाहिए। मेरा चैनल नहीं समर्थन करता इस चीज़ का। जो भी आए उसका स्वागत कीजिए। फिर भी हम एक दूसरे से पूछते हैं, जानना चाहते हैं, आपस में बातें करते हैं कैसे क्या होगा। हमारी दादी नानी बताई हुई हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ हमारा आने वाला मेहमान क्या है। और वो आपके किचन में ही मिल जाता, आपके पास है, उससे आप खुद पता कर सकती हैं आपका आने वाला मेहमान बेबी बॉय है या गर्ल है। तो इसके मत कीजिएगा क्योंकि जरा से मैं बता दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मत कहिएगा कि मुझे नहीं पता चला। और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरा बॉय हुआ या गर्ल हुई। तो चलिए आप फटाफट बता देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। और हाँ, अगर चैनल से नहीं अभी तक जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ, ताकि मेरा पहला वीडियो आप तक पहुँचे। तो अब बता ही देती हूँ कि आपको क्या करना है। आलू, जी हाँ सही सुना आपने, आलू। आलू का एक टुकड़ा काट लेना है। और मॉर्निंग में जैसे आप जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है ना, तो आप जब डेट मिस होता है और आप चेक करती हैं क्या प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसी तरीके से पहला यूरिन आपको लेना है और उस यूरिन में आपको एक टुकड़ा आलू का डाल देना है और 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद देखना है कि आलू जो डाला है आपने वो ब्लैक पड़ रहा है या नहीं, और आपका जो यूरिन का कलर वो थोड़ा डार्क येलो है। अगर ऐसा है तो 100% आपका आने वाला मेहमान बेबी बॉय है। ट्राई कीजिएगा। अगर आपको सच में ऐसा मिला कुछ तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ हमारे बताए हुए उपाय से, हमारे बताए हुए घरेलू उपाय से आपको फ़ायदा हुआ और सच में ऐसा हुआ है। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। फिर भी एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी आए, बेबी गर्ल हो बॉय हो, उसका दिल से स्वागत कीजिए, उसे अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, बेटी बेटी में फ़र्क मत कीजिए। कुछ भी हो बस अच्छा हो, सही हो, क्योंकि ना बेटियां कभी माँ बाप को कंधे भी बिठा के घुमाती हो ना बेटे, बस अगर अच्छा होते हैं तो दोनों में से अच्छे होने चाहिए, बस यही कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।